Assalamu alaikum students, I'm Vaseem Ikram. This is the 39th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Kaise hain aap? Inshallah, achhe honge. Last lecture mein hum kuch discussion kar rahe the. Humne pehle shuru kiya tha traffic light controller pe discussion ki thi. Uske baad humne jo tha analysis of state machines pe baat ki thi. Aaj hum basically discussion shuru karenge memory pe. Memory kya hoti hai, kahan istemal hoti hai, uska structure kya hai. Isse pehle ki aap memory pe discussion shuru karein, aaiye pichle lecture ko zara review kar lete hain. लास्ट लेक्चर में हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू कर रहे थे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर पे. ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का जैसे हमने सर्किट देखा था दो गैल डिवाइसेस के साथ इंप्लीमेंट किया था. पहली जो गैल डिवाइस थी उसको हमने प्रोग्राम किया था एज ए सीक्वेंशियल स्टेट मशीन. बेसिकली जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की डिफरेंट स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं, उनको हमने प्रोग्राम किया था. इसके इनपुट पे जैसा कि आपको याद हो सिग्नल्स थे, दो इनपुट सिग्नल्स थे जो सेंसर से आ रहे थे और दो इनपुट सिग्नल्स थे जो टाइमर से आ रहे थे. आउटपुट पे हमारे पास 4 सिग्नल्स थे, 3 जो थे स्टेट वेरिएबल्स थे जिनसे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट है, 8 में से कौन सी स्टेट है, और एक आउटपुट था जो कि रीसेट कर रहा था, टाइमर को रीसेट कर रहा था. अगेन आपको याद हो 2 स्टेट्स ऐसी थी जिनमें हम टाइमर को रीसेट करते थे. एक नॉर्थ साउथ येलो 2 स्टेट थी और ईस्ट वेस्ट जो थी येलो 2, ये दूसरी स्टेट थी. सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इन 2 स्टेट्स के लिए जब रीसेट सिग्नल को आप डीएक्टिवेट करते हैं जो कि टाइमर को रीसेट कर देते हैं, इसकी हमने इक्वेशन लिखी थी. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो दूसरा गैल है बेसिकली उसको हमने एज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट के तौर पे प्रोग्राम किया है. उसका काम क्या है, इनपुट पे वो स्टेट्स जो हैं, 3 स्टेट वेरिएबल्स जो हैं Q0, Q1, Q2 जो हैं, उनको देखते हैं और उनकी मदद से आउटपुट पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ग्रीन रेड येलो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए, उनको ऑन या ऑफ करता है. सो बेसिकली जो दूसरा गैल था जो कॉम्बिनेशनल सर्किट के तौर पर हमने प्रोग्राम किया था, उसके पिन डिस्क्रिप्शन थी, उसमें इक्वेशन हमने डिफाइन की थी कि इनपुट पे ये स्टेट हो तो आउटपुट कैसी होगी. सो बेसिकली ये हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया था. इसके बाद हमने डिस्कशन जो थी वो शुरू की थी जो है एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल स्टेट मशीन्स. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम बात करते आ रहे हैं अभी तक कि डिजाइन कैसे करना है. हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स हैं कि भाई आपने काउंटर बनाना है जो अप काउंट करें या डाउन काउंट करें या ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाना है या कोई और चीज बनानी है. तो बेसिकली हम उसका एक स्टेट डायग्राम बनाते हैं, स्टेट डायग्राम से हम एक स्टेट टेबल बनाते हैं, स्टेट टेबल के बाद हम जो है एक इनपुट टेबल बनाते हैं जो बेस्ड होता है कि कौन सा हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं. इनपुट जब टेबल आ जाता है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कार्नोफ मैप में डालते हैं, उधर से इक्वेशंस आती हैं और सर्किट हमारा इंप्लीमेंट हो जाता है. अगर आपके पास सीक्वेंशियल स्टेट मशीन का सर्किट हो, आप कैसे मालूम करेंगे कि ये क्या काम कर रहा है, काउंटर है या ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है या एलिवेटर कंट्रोलर है. सो बेसिकली उसको कहेंगे एनालिसिस. एनालिसिस हमने ये कहा था कि 3 स्टेप्स हैं. पहला काम आपने ये करना है कि जो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन है वो डिटरमिन करनी है और आउटपुट इक्वेशन जो है वो डिटरमिन करनी है. सो ये 2 इक्वेशन डिटरमिन करनी है. ये 2 इक्वेशन जब डिटरमिन हो जाएंगी तो उससे आप एक स्टेट टेबल बना लेंगे. जब स्टेट टेबल आ जाएगा उससे आपके पास एक स्टेट डायग्राम आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेट जो इक्वेशन है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और एक्सटर्नल इनपुट क्या है. सो जो फंक्शन होगा नेक्स्ट स्टेट का इट वुड डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड द एक्सटर्नल इनपुट. इसी तरह जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट पे जो स्टेट है वो और जो एक्सटर्नल इनपुट है. सो अगेन आउटपुट फंक्शन जो होगा प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड करेगा. ये 2 फंक्शंस जो हैं बेसिकली हमने 2 एग्जांपल्स की थी, एक डी फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड थी और एक शायद जेके फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड थी. तरीका कार हमने क्या इस्तेमाल किया था, हमने ये कहा था कि जो भी नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस आ रही हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं कि कौन सा हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं. सो हम फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इंटरेस्टेड थे. फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, याद होगा आपको जब हम अगेन सिक्वेंशियल मशीन स्टेट मशीन इंप्लीमेंट कर रहे थे हमने ट्रांजिशन टेबल यूज किए थे. सो लेट्स से जेके फ्लिप फ्लॉप है या डी फ्लिप फ्लॉप है, उसका हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया था, उसकी मदद से आगे हमने प्रोसेसिंग की थी, यूज किया था. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वो बेसिकली आपको बता रही है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट्स. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी फ्लिप फ्लॉप की कैसे हम ऑब्टेन करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली जो ट्रांजिशन टेबल हमने यूज किए थे उनको अगर आप कार्नोफ मैप में मैप कर दें, इन्फॉर्मेशन को डाल दें और उधर से जब बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा दैट वुड बी बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप. सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट 2 एग्जांपल में डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप की और जेके फ्लिप फ्लॉप. सो जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है उसके साथ आगे हमने क्या करना है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से हम एक ट्रांजिशन इक्वेशन बना रहे हैं. ट्रांजिशन इक्वेशन बेसिकली है क्या, सर्किट में अगर आपको याद हो हमने एक्साइटेशन इनपुट्स जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके इनपुट पे कुछ एक्साइटेशन इनपुट्स आ रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट की मदद से जनरेट हो रहे हैं. सो बाय लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन सर्किट्स आप जो है एक्साइटेशन इनपुट्स डिटरमिन कर सकते हैं. लेट्स से आपका डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई या जेके फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई उसमें जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो एक्साइटेशन जो आपके पास इनपुट है वो आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास एक ट्रांजिशन इक्वेशन आ जाएगी. ट्रांजिशन इक्वेशन का उसका जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली एक ट्रांजिशन टेबल बना देंगे. ट्रांजिशन टेबल इट्स वेरी सिमिलर टू द स्टेट टेबल.
जो आपने पहले देखा हुआ। सो ट्रांजिशन टेबल जो है डायरेक्टली स्टेट टेबल बन गया। स्टेट टेबल बेसिकली आपको बता रहा है कि प्रेजेंट स्टेट ये है, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल इनपुट्स। ट्रांजिशन टेबल जो है स्टेट टेबल में जब चेंज होता है तो साथ में आउटपुट को भी हम एक आउटपुट कॉलम भी डिफाइन कर रहे हैं कि आउटपुट जो है अगर प्रेजेंट स्टेट ये है एक्सटर्नल इनपुट्स ये हैं तो आउटपुट क्या होगा। स्टेट टेबल के बाद जो लास्ट स्टेप है बेसिकली स्टेट डायग्राम है। सो आपने देखे थे दो हमने स्टेट डायग्राम बनाए थे, पहले ही जो एग्जांपल थी दूसरी एग्जांपल थी। तो बेसिकली सिक्वेंशियल स्टेट मशीन की जो एनालिसिस है वो इस तरीके से हो रही है। आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं मेमोरी से। मेमोरी बेसिकली क्या है? मेमोरी जैसे हम पहले डिफाइन करते आ रहे हैं एक स्टोरेज स्पेस है, कोई चीज स्टोर करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप मेमोरी को यूज करें। मेमोरी हम यूज करते आए हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स में। सिक्वेंशियल सर्किट में हमने बताया था कि एक जो एसेंशियल एलिमेंट है बेसिकली मेमोरी है और दूसरा एसेंशियल जो एलिमेंट है वो कॉम्बिनेशन सर्किट है। मेमोरी कैसे इंप्लीमेंट की थी? बेसिकली फ्लिप फ्लॉप की मदद से। फ्लिप फ्लॉप जो थे बेसिकली नैंड गेट्स थे जिनको आपस में कनेक्ट किया हुआ था। फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट को स्टोर कर सकता है, या जीरो को स्टोर करेगा या वन को स्टोर करेगा। सो ये तो हो गया एक फ्लिप फ्लॉप। और सिक्वेंशियल सर्किट्स में जो हमने फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे या मेमोरी एलिमेंट यूज किया था बेसिकली कुछ बिट्स को स्टोर कर रहा है, मतलब बाइट्स में या किलो बाइट्स में स्टोर नहीं करेगा। हर स्टेट को डिटरमिन करने के लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल्स चाहिए। स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली एक फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट हो रहा है। सो अगर आपके पास सिक्वेंशियल सर्किट में चार स्टेट वेरिएबल्स हैं, चार फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज करेंगे। सिक्वेंशियल स्टेट मशीन के अलावा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको मेमोरी चाहिए। क्यों चाहिए? बेसिकली जो आप प्रोग्राम एक लिख के एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम कहाँ पड़ा हुआ है? बेसिकली मेमोरी में पड़ा हुआ है। अब जो प्रोग्राम है उसमें अच्छी खासी काफ़ी लंबा सारा प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट उसका बहुत सारा पोर्शन या कुछ सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेमोरी में मौजूद हों। सो दैट मीन्स आप सिंपल एक फ्लिप फ्लॉप से आपका काम नहीं होगा या चार पांच फ्लिप फ्लॉप से काम नहीं होगा, आपको अच्छी खासी मेमोरी चाहिए जिसमें एक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम रिजाइड कर सके। सो बेसिकली दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं मेमोरी की डिजिटल लॉजिक में, एक सिक्वेंशियल सर्किट के लिए और एक जो है जनरल कंप्यूटेशन के लिए जहां आपका इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर होंगे। अब मेमोरी में डाटा जो है किस तरह ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसका साइज क्या होगा? बेसिकली क्या एक बिट की इन्फॉर्मेशन होगी, चार बिट की इन्फॉर्मेशन होगी, आठ बिट की होगी, सोलह बिट की होगी? बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो मशीन है या डिजिटल सिस्टम है जो इसको यूज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कितने साइज की है उसके पास। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमने एक अप एंड डाउन काउंटर बनाया था, अप एंड डाउन काउंटर का एक एक्सटर्नल इनपुट था जिसको हम कह रहे थे एक्स। अगर वो जीरो कर देते हैं तो शायद वो अप काउंट करता है, और अगर वन कर देते हैं तो वो डाउन काउंट करता है। लेट्स सपोज कि आपने एक अप एंड डाउन काउंटर बना लिया, सर्किट भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप देखना चाह रहे हैं कि भाई वो सर्किट जो है आपने कनेक्शन जो प्रॉपर किए थे कि नहीं, टेस्ट करना बेसिकली। तो टेस्ट कैसे करेंगे? आप एक मेमोरी लेंगे जिसमें आप वंस एंड जीरोस डाल देंगे। ये जो मेमोरी है ये रिप्रेजेंट कर रही है उस एक्सटर्नल इनपुट एक्स को। अब इस मेमोरी को जिसमें ये वंस एंड जीरो स्टोर किए हैं वो आप कनेक्ट कर लें उस आपका जो अप एंड डाउन काउंटर है उसके एक्स इनपुट के साथ। अब मेमोरी के साथ आप कोई क्लॉक लगा लें या कोई और सर्किट लगा लें जिससे एक एक बिट जो है वो मेमोरी से पढ़ेंगे और एक्स इनपुट जो है आपका अप एंड डाउन काउंटर का उस पर आप अप्लाई करते जाएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन जीरो और वन आपका जो काउंटर है अप काउंट करेगा या डाउन काउंट करेगा, तो आपके पास वो मेमोरी में इन्फॉर्मेशन है कि भाई जीरो अप्लाई किया या वन अप्लाई किया, और इसी तरह आपका जो काउंटर है उसका आउटपुट आप देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर जीरो आया तो क्या अप काउंट कर रहा है कि नहीं, या अगर वन आया डाउन काउंट कर रहा है कि नहीं। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो वन बिट मेमोरी होनी चाहिए क्योंकि एक्स जो इनपुट है वो वन बिट का ही है। लेट अस सपोज कि आप एक ALU की मदद से एक कैलकुलेटर बनाते हैं कि जो दो नंबर्स जो है BCD नंबर्स को ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है या मल्टीप्लाई करता है। सो बेसिकली जो ALU का इनपुट है उसमें आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है जिसको ऐड करें शायद। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेंगे? मेमोरी में करेंगे। अब मेमोरी का साइज क्या होना चाहिए? बेसिकली दो वैल्यूज आपको चाहिए, दो नंबर चाहिए जो दो 4 बिट के हैं। सो बेसिकली मेमोरी इस किस्म की ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी आपको जिसमें 4 बिट इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकें। कंप्यूटर्स जो है नॉर्मली मिनिमल जो साइज है 8 बिट या 1 बाइट को हैंडल करते हैं। आपके जो मॉडर्न आपके कंप्यूटर्स हैं वो 32 बिट 64 डाटा को भी हैंडल कर रहे हैं। सो 32 बिट 64 बिट इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट मेमोरी चाहिए होगी जिसमें आप साइमल्टेनियसली 32 बिट्स या 64 बिट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का उसको हम कहेंगे सेल। सेल जो है या 1 स्टोर करेगा या 0 स्टोर करेगा। जनरल जो आर्किटेक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन जो है मेमोरी की बेसिकली उसको एक 2-डायमेंशनल अरे की सूरत में बनाया जाता है या इंप्लीमेंट किया जाता है। अब टेबल एक बनाते हैं, टेबल में कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। तो आप कहते हैं कि जी 5th रो में जो 2nd कॉलम है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ लें या उधर आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें। इसी तरीके से हार्डवेयर में जो मेमोरी बनती है वो भी एक 2-डायमेंशनल अरे की सूरत में है, रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। सो एक रो नंबर और कॉलम नंबर की मदद से आप एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उधर से आप एक बिट पढ़ सकते हैं या उस जगह पे उस सेल में एक बिट आप लिख सकते हैं।
आइए देखते हैं कि ये जो जनरल आर्किटेक्चर है मेमोरी का, जो टू डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं, ये कैसा नजर आ रहा है हमें और सेल्स किधर हैं और कैसे हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। डायग्राम में एक 64 सेल मेमोरी एरे दिखाई गई है जिसके 8 रोज दिखाई गई हैं और 8 कॉलम्स हैं। सो टोटल जो सेल्स हैं वो 64 हैं। रो 1 में अगर देखें तो 8 बिट्स लिखी हुई हैं। सो एक जो स्क्वायर है वो एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पहली रो में 8 सेल्स हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन जो है 1100 1010। जो लेफ्ट मोस्ट सेल है जिसका एड्रेस आप कह लें रो 1 एंड कॉलम 1, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 है। इसी तरह जो सेकंड सेल है पहली ही रो में, उसका जो एड्रेस है रो 1 कॉलम 2। नेक्स्ट अगर चले जाएं उसका रो 1 ही है, कॉलम 3 हो जाता है। और इसी तरह आखिरी जो सेल है इसी रो में, उसका एड्रेस जो है वो रो 1 है और सेल 8 है। सो आप रो नंबर और कॉलम नंबर की मदद से कोई सा भी सेल आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम में जो सेल है, उस जगह पे जो सेल है उसमें 1 पड़ा हुआ है। इसी तरह सिक्स्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम में इस जगह पे जो सेल है उसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो 0 है, बिट 0 पड़ी हुई है। अभी डायग्राम में हमने एक 64 सेल मेमोरी अरे देखे, एक जनरल आर्किटेक्चर दिखाया गया। दैट मीन्स इसमें आप 64 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसमें। जैसे कि मैंने बताया कि जो डाटा साइज है वो डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, उसको किस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन चाहिए। 1 बिट हो सकता है, 4 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है। सो 1 बिट जो है उसको तो बिट ही कहेंगे, एक सिंगल जो है 1 हो 0 हो उसको बिट कहेंगे। 4 बिट जो है उसके कॉम्बिनेशन को हम नेबल कहते हैं। इस तरह 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम एक बाइट कहते हैं, और अगर 16 बिट के कॉम्बिनेशन उसको वर्ड कहेंगे। सो जनरली एक जो डाटा यूनिट है उसको हम कहेंगे वर्ड। इस 64 जो सेल की अरे हमने देखी थी, इसको ऑर्गेनाइज करना है फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। वही वाली बात आ गई कि अगर हमारे पास अप एंड डाउन काउंटर है जिसमें 1 बिट डाटा चाहिए, तो इस 64 सेल अरे को उस फॉर्मेट में हमने ऑर्गेनाइज करना है ताकि हम एक बिट एक लोकेशन पे स्टोर कर सकें। अगर हमारे पास वो ALU है जो दो नंबर्स को, 4 बिट नंबर्स को ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें मेमोरी जो चाहिए वो हमें चाहिए निबल फॉर्मेट में, डिफरेंट लोकेशंस हो, हर लोकेशन पे एक 4 बिट वैल्यू स्टोर हो। इसी तरह अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जो बाइट फॉर्मेट में डाटा हैंडल कर रहा है, तो मेमोरी को आपने ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपके पास हर एक रो पे एक बाइट आपको मिले। और इसी तरह अगर आपके पास एक दूसरा मॉडर्न कंप्यूटर है जो 32 बिट इन्फॉर्मेशन को या 64 बिट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, तो हर रो पे आपको 32 बिट्स इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए या 64 बिट आप एक्सेस कर सकें। तो आइए देखते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये जो 64 बिट सेल है, अरे है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में इसी 64 बिट सेल को हम, अगर हमें नेबल फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके कितने हमारे पास रोज हो जाएंगे और कितने कॉलम्स हो जाएंगे। कॉलम्स तो 4 हो जाएंगे, और जो रोज हैं वो बढ़ के हमारे पास 64 हो जाएंगे, रादर 64 नहीं होंगे, 16 रोज हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास बिट मेमोरी चाहिए जिसमें हर लोकेशन पे एक बिट है, तो आपके पास टोटल मेमोरी साइज जो होगा वो 64 लोकेशंस होंगी और हर लोकेशन पे एक बिट आप स्टोर कर रहे होंगे। सो आइए देखते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को निबल फॉर्मेट में आप मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, और बिट फॉर्मेट में मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। डायग्राम में वो जो 64 बिट मेमोरी थी जो ओरिजिनली हमने एरे देखी थी, उसको डिफरेंट तरीकों से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे हमने 16 रोज और 4 कॉलम में उसी मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर दिया। टोटल सेल्स जो हैं वो 64 ही हैं। सो फर्स्ट रो में जो इन्फॉर्मेशन है वो 1100 है। इसी तरह सेकंड रो में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है 0100 है। सो बेसिकली 4 बिट इन्फॉर्मेशन हर रो पे पड़ी हुई है, और ये 4 बिट्स हम इकट्ठी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें, उसी 64 बिट मेमोरी को या 64 सेल मेमोरी को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है 1 × 64। बेसिकली 64 लोकेशंस हैं या एड्रेसेस हैं, और हर लोकेशन पे एक बिट हमने स्टोर की हुई है। सो पहली लोकेशन पे 1 स्टोर किया हुआ है, सेकंड लोकेशन पे 0 स्टोर किया हुआ है, थर्ड पे 0 है, और इसी तरह आखिरी जो है 64th लोकेशन उस पे 0 स्टोर किया हुआ है। सो अगर आप थर्ड लोकेशन जो है या रो को सिलेक्ट करें, उसमें आप 0 पढ़ सकते हैं, अगर 1 लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं। अभी हमने दो तरीके देखे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हमें निबल फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें वही 64 सेल जो अरे थी उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया इनटू 16 रोज एंड 4 कॉलम। 16 लोकेशंस हैं, हर लोकेशन में 4 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। टोटल जो सेल्स हैं वो 64 ही हैं। इसी तरह अगर आपको 1 बिट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वही 64 जो सेल अरे था उसको ऑर्गेनाइज कर दिया इनटू 64 लोकेशंस, हर लोकेशन पे एक बिट स्टोर्ड है। अगेन टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 64 है। इससे पहले जो हमने टू डायमेंशनल देखा था, अरे जो देखी थी जिसमें 8 रोज थी, 8 कॉलम्स थे, बेसिकली वो क्या है, 8 लोकेशंस पे 1 बाइट स्टोर की हुई है। सो 8 बाइट्स उस मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, अगेन 64 हैं। सो तीनों केसेस में टोटल नंबर ऑफ सेल्स एक ही हैं। बेसिकली हमने उनको ऑर्गेनाइज डिफरेंटली कर लिए फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। जनरली जब आप मेमोरी की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है या उसकी डेंसिटी कितनी है।
कैपेसिटी जो है वो ज्यादा यूज होता है। कैपेसिटी का मतलब है कि टोटल सेल्स कितने हैं या टोटल बिट्स कितनी स्टोर हो सकती हैं या टोटल बाइट्स कितनी स्टोर हो सकती हैं। जब आप कहते हैं कि 16 किलो बाइट, दैट मींस 16 किलो का मतलब है 1024, जैसे हम बाइनरी में पढ़ते आ रहे हैं 1024 मींस किलो। सो 16 इंटू 1024 इतनी लोकेशंस होंगी। और जब हम कहते हैं 16 किलो बाइट, सो हर लोकेशन में एक आप बाइट स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये मालूम करें कि टोटल बिट्स कितनी होंगी इस मेमोरी में, तो 16 इंटू 1024 इंटू 8 कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपके पास आ जाएंगे। इस तरह जब आप कहते हैं कि 1 मेगाबाइट मेमोरी, 1 मेगाबाइट का मतलब है 1 मेगा लोकेशन, सो कितनी लोकेशन होंगी, 1 इंटू 1024 इंटू 1024 ये लोकेशन हो जाएंगी। और हर लोकेशन पे कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, 1 बाइट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। टोटल सेल्स या टोटल बिट्स जो इस मेमोरी में स्टोर्ड हैं वो बेसिकली होगा 1 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8। सो ये तो होगी कैपेसिटी, टोटल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। डेंसिटी जो है वो एक डिफरेंट चीज है। जब हम मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली हमने कुछ सर्किट को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट करना है। सर्किट बेसिकली क्या होगा, ट्रांजिस्टर्स होंगे। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली जो नैंड गेट हैं या एक लैच बनानी है। हमने शुरू में ये कहा था कि मेमोरी जो एलिमेंट है एक बिट स्टोर करने के लिए बेसिकली एक लैच चाहिए, फ्लिप फ्लॉप चाहिए। फ्लिप फ्लॉप में हमने यूज किए थे 2 नैंड गेट या 2 नॉर गेट्स। इनफैक्ट जो नैंड गेट नॉर गेट कैसे बना है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सो एक नैंड गेट में कितने ट्रांजिस्टर्स चाहिए, बेसिकली जो है 6 ट्रांजिस्टर चाहिए एक फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक सेल, एक मेमोरी सेल जिसमें आप 1 या 0 स्टोर कर सकते हैं, 6 ट्रांजिस्टर्स चाहिए। सो अगर इसी तरह 10 सेल्स हों तो आपको 60 ट्रांजिस्टर्स चाहिए। इसी तरह अगर मेमोरी बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वुड इंक्रीज। अब इतने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आप कितनी जगह पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आपका जो मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट है 1 स्क्वायर इंच का है। अब इस 1 स्क्वायर इंच में आप कितने ट्रांजिस्टर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जितने ट्रांजिस्टर आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बेसिकली डिटरमिन करेगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि आप 1 स्क्वायर इंच में 60 ट्रांजिस्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप के लिए 6 ट्रांजिस्टर चाहिए तो आप जो है 10 बेसिकली बिट्स स्टोर कर पाएंगे। सो अगर एक मेमोरी जो है जो हाई डेंसिटी मेमोरी है, दैट मींस पर स्क्वायर इंच कोई भी एक एरिया का यूनिट ले लें, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वो आप कहेंगे डेंस मेमोरी है। सो बेसिकली फायदा क्या होगा, लेस स्पेस में ज्यादा मेमोरी है। आगे हम पढ़ेंगे जो डायनेमिक रैम है जो आपके कंप्यूटर्स में यूज हो रही होती है, बेसिकली वो हाई डेंसिटी मेमोरी है। स्मॉल स्पेस में बहुत सारी मेमोरी आपके पास अवेलेबल है। एक दूसरी किस्म की मेमोरी होती है स्टैटिक रैम, जो कि हाई डेंसिटी मेमोरी नहीं है, उतनी स्पेस में कम इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। सो दो चीजें होगी, एक कैपेसिटी, टोटल सेल्स कितने हैं, टोटल उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, और डेंसिटी पर यूनिट एरिया कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। आइए बात करते हैं मेमोरी सिग्नल्स की। लेट्स सपोज कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं, उधर एक मेमोरी चिप खरीदते हैं। किस किस्म के आपको सिग्नल्स जो है पिन्स हैं उस मेमोरी के, उन पे किस किस्म के सिग्नल्स मिलेंगे और उनका यूज क्या है। बेसिकली कोई भी मेमोरी हो उसके 3 किस्म के सिग्नल होते हैं, एड्रेस लाइंस या एड्रेस सिग्नल्स, डाटा लाइंस या डाटा सिग्नल्स, एंड कंट्रोल लाइंस या कंट्रोल सिग्नल्स। एड्रेस लाइंस जो है बेसिकली उस पे, जैसे एड्रेस का लफ्ज़ है, दैट मींस एड्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने अरे देखी सेल की, जिसमें आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है 8 रोज या 8 कॉलम्स में या 16 रोज 4 कॉलम्स में या 64 रोज 1 कॉलम में। सो बेसिकली ये जो रो एंड कॉलम जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। सो बेसिकली मेमोरी को आप एक एड्रेस भेजेंगे, जो आपका कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो एक एड्रेस भेजेगा जो कि कनेक्ट होगा थ्रू एन एड्रेस बस टू द मेमोरी चिप। साइज कितना होना चाहिए, कितनी लाइंस होनी चाहिए, एड्रेस लाइंस होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है और इन्फॉर्मेशन जो है कैसे ऑर्गेनाइज की है। लेट अस सपोज के 4 लोकेशंस हैं, 4 सेल्स हैं और आप 4 बिट्स 1 एट अ टाइम पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं उसमें। सो 4 लोकेशंस को या 4 सेल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 4 यूनिक एड्रेस चाहिए। 4 यूनिक एड्रेस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली 2 बिट्स चाहिए, 00 होगा तो 1 सेल को आप एड्रेस कर रहे हैं, 01 होगा दूसरा सेल, 10 तीसरा सेल एंड 11 चौथा सेल। इसी तरह अगर आपके पास 3 बिट्स हो, सो बेसिकली यूजिंग दैट 3-बिट एड्रेस आप 8 डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर 4 बिट्स हो तो 16 लोकेशंस हो जाएंगे, और इस तरह बढ़ाते जाएं नंबर ऑफ लोकेशंस जो है यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती हैं वो बढ़ती जाएंगी। सो बेसिकली द साइज ऑफ द एड्रेस बस इंडिकेट कर रहा है कि उस मेमोरी की लोकेशंस, यूनिक लोकेशंस कितनी है। एड्रेस जो है मेमोरी जनरेट कभी भी नहीं करेगी, ऑफकोर्स जो एक्सटर्नल डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं या उसे रीड कर रहे हैं वो डिवाइस एड्रेस जनरेट करेगी। सो इसको हम कहेंगे एक यूनि डायरेक्शनल बस है। बस कहते हैं इन लाइन्स का मजमुआ, ग्रुप ऑफ एड्रेस लाइन्स को हम एड्रेस बस कहेंगे। दूसरे जो सेट ऑफ सिग्नल्स हैं वो हम कह रहे हैं कि डाटा सिग्नल्स हैं। देखिए मेमोरी में हमने बताया था यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, राइट करेंगे या रीड करेंगे। सो बेसिकली इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन अगर आपने लिखनी है तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे मेमोरी तक पहुंचाएंगे, थ्रू डाटा लाइन्स, राइट। अब ये डाटा लाइन एक नहीं होगी, डिपेंड करता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर सिंगल बिट मेमोरी है, हर लोकेशन पे 1 बिट स्टोर कर रहा है, तो एक ही डाटा लाइन होगी। अगर 1 में 4 बिट स्टोर हो रही है तो 4 लाइन्स होंगी। अगर 8 बिट स्टोर हो रही है हर पे, तो दैट मीन्स 8।
अब मुमकिन है आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, दैट मीन्स बाय मुफा। सो ये जो मजमुआ है आपके डाटा बस जो होती है मेमोरी की आपको माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस के साथ या डाटा लाइंस के साथ। सो माइक्रो प्रोसेसर ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेमोरी में लिखनी है तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा बस पे वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो मेमोरी में लिखी जाएगी। इसी तरह अगर माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी से इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो कुछ कंट्रोल सिग्नल भेजेगा जिसकी मदद से इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा बस पे आ जाएगी मेमोरी के, उधर से वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पढ़ लेगा। अब जैसे मैंने बताया कि दी नंबर ऑफ बस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डाटा, डाटा जो है सिंगल बिट है तो एक लाइन होगी, चार बिट है चार लाइन्स होंगी, आठ है तो आठ लाइन्स होंगी। जितनी वाइड डाटा बस है या जितनी लाइन्स हैं डाटा बस में, दैट मीन्स उतनी तेजी उतना इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास दो मेमोरीज हैं, एक की 8 बिट डाटा बस है, एक की 16 बिट डाटा बस है। कौन सी बेहतर होगी? 16 डाटा बस वाली, क्योंकि 16 बिट डाटा बस वाली, क्योंकि आप दो लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो फास्ट एज कम्पेयर टू दी मेमोरी जिसकी 8 बिट्स हैं। सो एड्रेस बस होगी, डाटा बस होगी जो कि बाई डायरेक्शनल है। तीसरे किस्म में जो सिग्नल्स हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। देखिए मेमोरीज में आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो ये कैसे डिटरमिन होगा? बेसिकली आपने एक कंट्रोल सिग्नल की मदद से मेमोरी को बताना है कि ये रीड करना है या राइट करना है। दूसरा जो एक कंट्रोल सिग्नल है वो इस पूरी मेमोरी चिप को सिलेक्ट करेगा। किसी भी डिजिटल सिस्टम में आपके पास एक से ज्यादा मेमोरी चिप होंगे तो किसी एक टाइम में एक लोकेशन से आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो जो बाकी मेमोरी चिप हैं वो उस टाइम पे सिलेक्टेड नहीं होंगे। तो आप किसी एक बिट को सिलेक्ट एक चिप सेकंड, एक तो रीड राइट लाइन, रीड राइट लाइन जो है वो या तो एक हो सकती है, सिंगल हो सकती है। अगर लेट्स सपोज उसको आप हाई कर दें, लॉजिक हाई उसको कर दें तो वो मेमोरी से इन्फॉर्मेशन रीड करेगा। अगर उसको बेसिकली हमने एड्रेस फंक्शन होगा, बेसिकली जैसे हमने शुरू में एक जो डायग्राम देखा था, रो सेलेक्ट करनी है और एक कॉलम लेना। मेमोरी के अंदर एक डिकोडर लगा होता है, डिपेंड करता है मेमोरी की कैपेसिटी पे। तो अगर लेट्स से 8 सेल की मेमोरी तो एक 3 to 8 डिकोडर लगा होगा, 3 इनपुट एड्रेस होगा, 3 बिट के एड्रेस में से एक लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे। जो उस पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट कर रही है, सो मेमोरी के अंदर एक डिकोडर लगा होता है जो कि एक्सटर्नल एड्रेस लाइन के साथ कनेक्टेड है। डायग्राम में एक सेंटर में गई है, इसके डिफरेंट इनपुट्स हैं। एक जो इनपुट है एड्रेस डिकोडर से आ रहा है, एड्रेस डिकोडर जैसे हमने डिस्कस किया उसका इनपुट जो है एड्रेस बस है, दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर जो है एक खास जो एड्रेस करके मेमोरी चिप में उस एड्रेस को डिकोड करेगा और जो मल्टीपल आउटपुट लाइंस हैं उनमें से एक लाइन को एक्टिवेट कर देगा जिसको हम कहेंगे रो सिलेक्ट लाइन। ये जो रो लाइन है इसकी वजह से इनेबल कर देंगे या सिलेक्ट कर देंगे। राइट साइड पे एक डाटा बस दिखाई गई है जो कि बाई डायरेक्शनल है, दैट मींस अगर आपने मेमोरी अरे से इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, रीड करनी है, तो इन्फॉर्मेशन इस डाटा बस की मदद से हम पढ़ सकते हैं, आउट होगी। अगर आपने इसमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है सो डाटा बस पे आप इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, एड्रेस भेजेंगे जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे इन्फॉर्मेशन लिखी जा सकती है। रीड या राइट कैसे होगा? बेसिकली ये डिटरमिन होगा रीड एंड राइट कंट्रोल लाइन से जो कि नीचे दिखाई गई है। इस डायग्राम में दो सेपरेट रीड एंड राइट लाइन दिखाई गई हैं। सो अगर इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो रीड सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, अगर इन्फॉर्मेशन राइट करनी है राइट सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। इससे पहले कि रीड सिग्नल अप्लाई करें या राइट सिग्नल अप्लाई करें, इस पूरी मेमोरी को सिलेक्ट करना होगा जो कि ऊपर जो सिग्नल दिखाया गया मेमोरी सिलेक्ट सिग्नल, उसको जब एक्टिवेट करेंगे ये मेमोरी चिप जो है मेमोरी अरे और एड्रेस डिकोडर जो है ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। इसमें अभी हमने डायग्राम देखा, ब्लॉक डायग्राम देखा एक मेमोरी का। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मेमोरी अरे है जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, एक एड्रेस डिकोडर है जो एड्रेस लाइन को या एड्रेस इनपुट को डिकोड करता है और उनमें से एक पर्टिकुलर सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करता है। डाटा बस है जिसकी मदद से आप इन्फॉर्मेशन मेमोरी अरे से पढ़ सकते हैं या उसमें लिख सकते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स हैं चिप सिलेक्ट, जिसको आप एक्टिवेट करेंगे तो मेमोरी अरे एड्रेस डिकोडर ये सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर डीएक्टिवेट करेंगे तो ऑफकोर्स ये सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट करने के बाद ही आप रीड या राइट कर सकते हैं, तो अगर रीड करना है तो रीड कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट कर दें, अगर राइट करना है राइट कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट कर दें। आइए अब देखते हैं रीड एंड राइट ऑपरेशंस। रीड एंड राइट ऑपरेशंस जैसे हम मेमोरी से पढ़ेंगे उसको कहेंगे रीड, अगर आप लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहा है उसको हम कहेंगे राइट ऑपरेशन। रीड एंड राइट ऑपरेशंस कैसे होंगे? बेसिकली ये जो डिफरेंट हमने सिग्नल्स डिस्कस किए ये एक सीक्वेंस में अप्लाई होंगे। सो दैट मींस पहले एड्रेस आएगा, एड्रेस की वजह से एक लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी, आपने चिप सेलेक्ट भी अप्लाई करना है जिससे खास मेमोरी चिप सेलेक्ट होगा, लेट्स से एक मेमोरी आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिग्नल भेजना है, अगर आपने रीड करना है तो रीड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे, अगर राइट सिग्नल भेजा तो राइट इन्फॉर्मेशन होगी। अगर राइट करनी है इन्फॉर्मेशन मेमोरी अरे में लिखनी है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे? डाटा लाइंस पे। सो ये देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इस मेमोरी के साथ कैसे कनेक्टेड है, कौन से बफर यूज हो रहे हैं और ये रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं। मेमोरी रीड ऑपरेशन का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एड्रेस
फोर से एक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है, बाइट इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। सो लेफ्ट राइट एड्रेस बफर दिखाया गया जो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर है। माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस बफर होता है, जो भी जिस एड्रेस से माइक्रोप्रोसेसर ने इन्फॉर्मेशन पढ़नी है वो एड्रेस बफर में वो एड्रेस आ जाता है। एड्रेस बफर के साथ एक एड्रेस बस है जो कि मेमोरी के एड्रेस डिकोडर के साथ कनेक्टेड है। एड्रेस बस जो है वो भी एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है। माइक्रोप्रोसेसर जब मेमोरी के साथ कनेक्ट होगा ये थ्रू एड्रेस बस कनेक्ट होगा। एड्रेस बस जैसे मैंने पहले बताया सेट ऑफ एड्रेस लाइंस जिन पे आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन भेजेंगे मेमोरी को। मेमोरी के पास जब इन्फॉर्मेशन 100 पहुंचेगी एड्रेस डिकोडर एक आउटपुट लाइन एड्रेस डिकोडर की एक आउटपुट लाइन एक्टिवेट कर देगा। सो अगर इस डायग्राम में देखा जाए 8 रोज हैं। पहली रो का एड्रेस जो है 0 है, सेकंड जो है 1 है, इसी तरह जो आखिरी है वो 7 है। सो 0 से लेके 7 एड्रेसेस हैं, 8 रोज टोटल बन जाती हैं। एड्रेस बफर में इन्फॉर्मेशन 100 जो एड्रेस है 100 पड़ा हुआ है। सो एड्रेस डिकोडर जो है वो नंबर 4 को सिलेक्ट करेगा। लाइन नंबर 4 जब सिलेक्ट होगी तो जो 8 सेल्स हैं इस पर्टिकुलर रो में वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मेमोरी सिलेक्ट सिग्नल ऑफ कोर्स एक्टिवेट किया हुआ है ताकि एड्रेस डिकोडर भी काम करे और मेमोरी अरे भी काम करे। क्योंकि रीड कर रहे हैं सो रीड सिग्नल भी एक्टिव है। रीड सिग्नल को एक्टिव करने से जो इन्फॉर्मेशन है 8 सेल्स में रो 4 पे वो इन्फॉर्मेशन डाटा पिंस पे अवेलेबल हो जाएगी। जो मेमोरी की डाटा पिंस हैं वो कनेक्टेड हैं एक डाटा बफर के साथ। डाटा बफर जो है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर है। सो मेमोरी की डाटा लाइंस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है डाटा बफर में जा रही है थ्रू दी एक्सटर्नल डाटा बस। बेसिकली डाटा बस जो है सेट ऑफ डाटा लाइंस हैं। इन्फॉर्मेशन जो ही मेमोरी पे आएगी माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इन्फॉर्मेशन को लैच कर लेगा। सो बेसिकली जो डाटा बफर है ये एक लैच है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन जो लोकेशन 4 पे है वो लैच हो गई है। डायग्राम में एक मेमोरी राइट ऑपरेशन दिखाया गया है, उसी तरह एक रो की रेट में राइट स्टोर की गई है। सो माइक्रोप्रोसेसर जो है एड्रेस लोकेशन 3 पे इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहा है। सो एड्रेस बफर में जो एड्रेस है 011 पड़ा हुआ है, ये 011 अप्लाई हो रहा है एड्रेस डिकोडर के इनपुट पे थ्रू द एड्रेस बस। मेमोरी सिलेक्ट हुई हुई है, मेमोरी सिग्नल एक्टिव है। रीड सिग्नल को डीएक्टिवेट कर दिया, राइट सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है लिखनी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है? इन्फॉर्मेशन जो है माइक्रोप्रोसेसर प्रोवाइड करेगा जो कि उस बफर में मौजूद है। सो जो इन्फॉर्मेशन है वो है 10110010। सो जो ही राइट सिग्नल अप्लाई होगा ये इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी की डाटा इनपुट्स पे अवेलेबल है थ्रू डाटा बस। सो राइट सिग्नल पे ये इन्फॉर्मेशन जो है एड्रेस लोकेशन 3 पे स्टोर हो जाएगी। सो मेमोरी में 10110010 मेमोरी लोकेशन 3 पे स्टोर होते हुए दिखाया गया। अभी हमने मेमोरी रीड ऑपरेशन मेमोरी राइट ऑपरेशन को डायग्राम की मदद से देखा। इसमें हमने जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस उस पर हमने कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं की कि एड्रेस कब आएगा, इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, रीड राइट सिग्नल कब एक्टिवेट होंगे, चिप सेलेक्ट सिग्नल्स कब एक्टिवेट होंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं ये अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में अप्लाई होंगे तभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रीड होगी या इन्फॉर्मेशन राइट होगी। अब हम बात करते हैं मेमोरी टाइप्स की। किसी भी डिजिटल सिस्टम में एक किस्म की मेमोरी नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी यूज हो रही होती है। सो जो दो मेजर टाइप्स हैं वो हैं रैम एंड रोम। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब है आप किसी लोकेशन से कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने अभी रीड राइट ऑपरेशन में देखा, कोई भी आप एड्रेस भेजें उससे एक जो है लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी, उस पर आप इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो रैम है ये कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज्यादा होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने ये बताया था कि जो प्रोग्राम है जो आपने एग्जीक्यूट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसी रैम में रिजाइड करेगा। जो आपका माइक्रोप्रोसेसर है इस रैम से वो एक इंस्ट्रक्शन पिक करेगा, उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करेगा। सो रैम जो है डिजिटल सिस्टम में यूजुअली बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी अदर टाइप। दूसरी टाइप क्या है? बेसिकली रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है जैसे कि नाम से जाहिर है हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन लिख नहीं सकते। बेसिकली अगर हम लिख नहीं सकते सिर्फ पढ़ सकते हैं तो इसका यूज कहाँ है? जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होगी कि भाई ये काम करने हैं, ये सीक्वेंस उसने फॉलो करना है, तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन देंगे? क्योंकि आप जो ही बटन प्रेस किया उससे पहले आपने कोई प्रोग्राम लोड नहीं किया हुआ, तो वो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली इसी किस्म की मेमोरी में रोम में होगी। सो जब भी आप एक डिजिटल सिस्टम को ऑन करेंगे उसको परमानेंटली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो एग्जीक्यूट करेगा और उसको कहेंगे बूट अप करेगा अपने आप को। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो है रीड ओनली मेमोरी में होगी। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो है बहुत कम होती हैं, सो देयरफॉर इन अ डिजिटल सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम में रोम की जो कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली कम है रैम। रैम और रोम में एक जो और खास बात है, रैम जो है उसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आप पावर अप्लाई करें, जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं या ट्रांजिस्टर्स हैं जिनकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उनको पावर चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। सो अगर आप 5 वोल्ट रिमूव कर दें जो भी इन्फॉर्मेशन रैम में है वो लूज कर जाएंगे, आप दोबारा से उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम रैम को कहेंगे वोलेटाइल मेमोरी। सो इसलिए जो आप प्रोग्राम लिखते हैं एग्जीक्यूट करते हैं उसको अगर आप स्टोर नहीं करें, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें, तो आपको दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सो रैम बेसिकली वोलेटाइल है। रोम जो है
जैसे मैंने बताया एक परमानेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टोर करनी है, जो ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन उधर से पड़ेगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। अगर आपने पावर ऑफ कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। सो रॉम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहलाता है। बेसिकली अगर पावर ऑफ भी कर दें तब भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेन रहेगी। सो दो टाइप्स होगी, रैम मेमोरी एंड रॉम मेमोरी। सो डिफरेंट इनके एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम रैम को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रॉम को डिस्कस करेंगे। रैम की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, दो मेजर टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो है बेसिकली फास्ट है, उसका जो एक्सेस टाइम है मतलब आप कम टाइम में लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन और पढ़ सकते हैं। सो स्टैटिक रैम की जो डेंसिटी है वो भी लो है, दैट मीन्स पर यूनिट एरिया जो मेमोरी स्टोरेज है, जो इसमें कैपेसिटी है वो कम है। डायनामिक रैम जो है दूसरी टाइप है एक रैम मेमोरी की, जो है एक्सेस टाइम, द टाइम इन विच यू कैन रीड इन्फॉर्मेशन और राइट इन्फॉर्मेशन टू द मेमोरी, वो जो है स्लो है कंपेयर टू स्टैटिक रैम। सो दैट मीन्स स्टैटिक रैम फास्ट है, डायनामिक रैम स्लो है। डायनेमिक जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। सो अपर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर के जो कंप्यूटर में रैम इंप्लीमेंट हुई है वो डायनेमिक रैम की सूरत में है। डायनेमिक रैम की डेंसिटी ज्यादा क्यों है, बेसिकली डिपेंड करता है इंप्लीमेंटेशन पे। स्टैटिक रैम जो है उसको हमने एक फ्लॉप की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक सेल जो है स्टैटिक रैम का वो एक फ्लिप फ्लॉप की मदद से इंप्लीमेंट हो रहा है। एक फ्लिप फ्लॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए तकरीबन 6 ट्रांजिस्टर्स चाहिए। अगर डीरैम को देखा जाए, डायनामिक रैम को देखा जाए, उसका जो एक सेल है वो इंप्लीमेंट करते हैं हम एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से। बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है एज ए स्विच काम कर रहा है, सो वो बेसिकली अलाउ करता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाए या ना चार्ज हो। अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाए तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो चार्ज स्टोर है उसको हम कहते हैं कि जी लॉजिक वन स्टोर हो गया। अगर कैपेसिटर जो है अनचार्ज था या डिस्चार्ज कर दिया है, उस पर कोई वोल्टेज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, उसको हम कहेंगे कि जीरो लॉजिक है। सो बेसिकली चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर रहा है लॉजिक वन को, अनचार्ज कैपेसिटर जो है लॉजिक जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है या स्टोर कर रहा है। अब एक ट्रांजिस्टर और एक जो कैपेसिटर है उसको आप बहुत थोड़ी स्पेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो नतीजा क्या निकलेगा, आपकी जो डायनेमिक रैम है वो ज्यादा डेंस हो जाएगी, क्योंकि एक जो सेल है वो एक कम जगह में आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज करते हुए जो एक्सेस टाइम है वो स्लो हो जाता है थोड़ा, इसलिए हम कहते हैं कि जो एस रैम है, स्टैटिक रैम है, वो फास्ट है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में एक और इशू है, बेसिकली कैपेसिटर जो है वो फॉर एवर अपना चार्ज रिटेन नहीं कर सकता है, जिसमें आपने लेट्स सपोज एक प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है और कुछ नहीं करें तो इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगी। सो डायनामिक रैम जहां भी होगी उसके साथ एक रिफ्रेश सर्किटरी होती है जो पीरियोडिकली जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सारों को चार्ज करती है उसमें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन रहे। सो हम स्टैटिक रैम को भी देखेंगे, डायनामिक रैम को भी देखेंगे। स्टैटिक रैम का स्ट्रक्चर सिंपलर है क्योंकि उसमें कोई रिफ्रेश सर्किटरी नहीं है, पर डेंसिटी उसकी जो है वो कम है। ऑन द अदर हैंड डायनामिक रैम जो है उसमें सर्किट कम्प्लेक्सिटी वो ज्यादा है क्योंकि रिफ्रेश सर्किट की वजह से, पर डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा मेमोरी आप लेस स्पेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्टैटिक रैम का जो फ्लिप फ्लॉप बेस सेल है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है। सिग्नल्स डिस्कस किए थे, एड्रेस सिग्नल्स, डेटा सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स, रीड राइट सिग्नल्स, ये बेसिकली अगर देखा जाए एक सेल को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर आपके पास पूरी कंप्लीट मेमोरी है जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं तो ये एड्रेस लाइंस अगेन डीकोडर के थ्रू मल्टीपल सेल्स को एक्सेस कर रही हैं, सेलेक्ट कर रही हैं उसमें। आइए देखते हैं कि ये जो सिंगल सेल है फ्लिप फ्लॉप की मदद से कैसे इंप्लीमेंट हुआ है और ये रीड राइट ऑपरेशन कैसे होते हैं। डायग्राम में एक स्टैटिक मेमोरी सेल दिखाया गया जो कि एक डी फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड है। सेंटर में डी फ्लिप फ्लॉप है, डी इनपुट पे डाटा एन हम अप्लाई कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी सेल में स्टोर करनी है वो ऑफकोर्स डाटा एन पे अप्लाई होगी, वन बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा ऑफकोर्स। अगर मल्टीपल बिट स्टोर करनी है तो इसी किस्म के मल्टीपल सर्किट्स होंगे। क्यू आउटपुट से ऑफकोर्स इस फ्लिप फ्लॉप से इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। क्यू आउटपुट जो है एक कनेक्ट हुआ है एक ट्राई स्टेट बफर के साथ, ट्राई स्टेट बफर को इनेबल करते हैं हम सिलेक्ट इनपुट के साथ। सो लेफ्ट हैंड इनपुट और राइट सिग्नल, एंड गेट का आउटपुट जो है जो क्लॉक सिग्नल है डी फ्लिप फ्लॉप उसके साथ कनेक्ट हुआ है। बेसिकली ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये काम करता है एज ए लैच। लैच जैसे आपको याद हो इसमें क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं, जो ही हम क्लॉक इनपुट पे हाई लेवल पल्स अप्लाई करें या लो लेवल पल्स अप्लाई करें तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या इन्फॉर्मेशन को लैच करेगा। सो आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अगर हमने डाटा पढ़ना है इसमें से, रीड करना है, तो राइट सिग्नल जो है वो जीरो हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि राइट सिग्नल अगर एक्टिव है तो इसका मतलब है हम लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं। सो रीड करने के लिए राइट सिग्नल जीरो होगा जिसकी वजह से एंड गेट का आउटपुट जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यू आउटपुट पे उसको हम पढ़ सकते हैं अगर सिलेक्ट इनपुट एक्टिव हो। सिलेक्ट इनपुट अगर एक्टिव हो ट्राई स्टेट बफर इनेबल हो जाएगा, क्यू आउटपुट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा आउट पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट
एक्टिव होगा, क्योंकि सेलेक्ट का एक्टिव होना जरूरी है, इसके बगैर काम जो सर्किट है नहीं करेगा। राइट सिग्नल है वो भी एक्टिव होगा, दैट मींस एंड गेट का आउटपुट एक्टिव हो जाएगा, वन हो जाएगा। जब एंड गेट का आउटपुट एक्टिव हो जाएगा, वन हो जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप का जो सी इनपुट है वो भी ऑफ कोर्स एक्टिव हो जाएगा, और ये एज ए ट्रांसपेरेंट लैच के तौर पे काम करना शुरू हो जाएगा। दैट मींस डाटा इन पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगी क्यू आउटपुट पे। जो ही राइट सिग्नल डिसेबल करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन क्यू आउटपुट पे है वो लैच हो जाएगी। सो दैट मींस डाटा इन पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो लैच ने स्टोर कर लिए। अभी हमने स्टैटिक रैम के सिंगल सेल की इम्प्लीमेंटेशन देखी। जैसे कि हमने देखा डायग्राम में एक डी फ्लिप फ्लॉप है जो कि एज ए लैच इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कुछ कंट्रोल सर्किटरी है, एक एंड गेट लगाया हुआ है जिसकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन लैच में राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। डायग्राम में दो डाटा लाइंस दिखाई गई, बेसिकली एक था और एक डाटा आउट था। जैसे कि मेमोरी में हमने पहले डिस्कस किया था एक ही बैरल है, बेसिकली डाटा इन लाइन को डाटा आउट लाइन के साथ इकट्ठे मिला सकते हैं, तो ये आपके पास एक बाई डायरेक्शनल डाटा लाइन बन जाएगी। क्योंकि जब भी आप इन्फॉर्मेशन मेमोरी में लिख रहे हैं उस वक्त आप पढ़ नहीं रहे होते, सो दैट मींस रीड राइट जो है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हो रहे हैं। सो दैट मींस अगर आप पढ़ रहे हैं तो डाटा आउट की जरूरत है, अगर आप लिख रहे हैं डाटा इन की जरूरत है। सो दोनों लाइन्स को आप मिला दें तो आपकी मेमोरी जो है वो काम करेगी। इसमें जो डायग्राम देखा था, बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप है एक ही इन्फॉर्मेशन एक बिट को स्टोर कर रहा है, एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रैक्टिकली जैसे कि आपको मालूम है हमें ज्यादा कैपेसिटी की मेमोरी चाहिए, दैट मीन्स मल्टीपल सेल्स होंगे, इसी किस्म के लैच इस्तेमाल होगी, उसका कंट्रोल सर्किटरी होगी, बेसिकली ऑर्गेनाइज होगी उसी तरह टू डायमेंशनल अरे की सूरत में, जिसमें एक डीकोडर होगा, रो एड्रेसेस जनरेट करेगा, कॉलम एड्रेसेस जनरेट करेगा। सो रो एंड कॉलम एड्रेस जो है मिलके एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स सपोज एक लोकेशन है 1 2 3, ठीक है 1 2 3 है एक एड्रेस, उसमें आपने 8 bits स्टोर की है, जो डाटा यूनिट है वो 8 bit का यूनिट है कि बाइट का है। सो 1 2 3 एड्रेस पे बेसिकली आपके पास ये जो लैचेस हमने डिस्कस की, जो सर्किट था, 8 copies होंगी उसमें। सो दैट मींस एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उधर स्टोर हो जाए। जो ही आप एड्रेस, जो माइक्रो प्रोसेसर है एड्रेस 1 2 3 अप्लाई करता है एड्रेस बस पे, डीकोडर जो है जो पर्टिकुलर रो सिलेक्ट कर देगा, पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट कर देगा, जिसकी मदद से वो 8 latches सिलेक्ट हो जाएंगे, और फिर डिपेंडिंग ऑन द रीड सिग्नल या राइट सिग्नल आप रीड या राइट ऑपरेशन कर सकेंगे। आइए देखते हैं इस टू डायमेंशनल अरे को और लैचेस को कैसे ये ऑर्गेनाइज हुई है और कैसे सिलेक्ट हो रही है। डायग्राम में इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक 8x4 स्टैटिक रैम का। 8x4 का मतलब है 8 locations, ईच लोकेशन स्टोर्स 4 bits। जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है हर रो में 4 latches हैं, और जो डिकोडर की सिलेक्ट लाइन है, डिकोडर की आउटपुट जो सिलेक्ट लाइन है वो इन चारों फ्लिप फ्लॉप्स के सिलेक्ट इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सो लेट अस सपोज के A0, A1, A2 जो एक्सटर्नल एड्रेस इनपुट्स हैं, इस पे 000 एड्रेस हम भेज रहे हैं। सो इसकी वजह से 3 to 8 डिकोडर का जो पहला वाला आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी मदद से जो पहले रो में 4 latches हैं वो चारों के चारों सिलेक्ट हो जाएंगे। नीचे अगर आप देखें 2 AND gates लगाए गए हैं, पहले वाले एंड गेट के इनपुट पे W राइट सिग्नल है और नीचे जो है चिप सिलेक्ट सिग्नल है। इसी तरह जो नीचे एंड गेट है उसके 2 inputs हैं, एक चिप सिलेक्ट और एक जो है आउटपुट इनेबल। ये सारे एक्टिव हाई सिग्नल्स हैं, दैट मींस राइट अगर हाई होगा तब इन्फॉर्मेशन राइट होगी, अगर राइट 0 होगा सो इसका मतलब है हम रीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी अरे से। चिप सिलेक्ट भी एक्टिव हाई है, अगर ये हाई होगा तब ये मेमोरी काम करेगी, अगर चिप सिलेक्ट लो है तो तब मेमोरी काम नहीं करेगी, रीड भी नहीं कर सकेंगे, राइट भी नहीं कर सकेंगे। आउटपुट इनेबल जो है ये बेसिकली रीड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। आउटपुट इनेबल जिस एंड गेट पे लगा हुआ है उसके आउटपुट को अगर देखें वो 4 tri-state buffers के इनेबल इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सो लेट अस सपोज के चिप सिलेक्ट जो है वो एक्टिव है और आउटपुट इनेबल भी एक्टिव है। सो इसकी वजह से सेकंड एंड गेट है उसका आउटपुट जो है एक्टिवेट हो जाएगा, चारों जो tri-state buffers हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एड्रेस जो 000 भेजा है जिसकी वजह से पहली रो की सारी लैचेस जो हैं 4 latches वो सिलेक्ट हो गई हैं, उनके आउटपुट्स जो हैं वो डाटा आउट 3, डाटा आउट 2, डाटा आउट 1 और डाटा आउट 0 पे अवेलेबल हो जाएंगे। किसी दूसरी रो की लैच जो है वो क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुई उसकी इन्फॉर्मेशन आउटपुट पे अवेलेबल नहीं होगी। इसी तरह अगर राइट करना चाहें तो राइट सिग्नल एक्टिव होगा, चिप सिलेक्ट ऑफ कोर्स एक्टिव होना चाहिए, आउटपुट इनेबल जो है इनएक्टिव होना चाहिए। पहले वाले एंड गेट का आउटपुट जो है वो तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं या लैचेस जो हैं उनके राइट सिग्नल के साथ कनेक्टेड है। सो डिपेंड करता है कि एड्रेस को कौन सा अप्लाई किया है, लेट्स से 111 अप्लाई किया है, आखिरी वाली रो की सारी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, चारों फ्लिप फ्लॉप्स हैं या जो लैचेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी, राइट सिग्नल एक्टिवेट हो गया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन डाटा इनपुट पे है, जो ऊपर जो डाटा इनपुट 9 नजर आ रही है, डाटा N3, डाटा N2, डाटा N1 एंड डाटा N0, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये चारों लैचेस जो है ये स्टोर कर लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन किसी और लैच में नहीं जा सकती क्योंकि वो लैचेस सिलेक्ट नहीं हुई। सो डिपेंड करता है कि एड्रेस कौन सा था, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सिग्नल जो थे वो कौन से एक्टिव थे, उसकी मदद से हम रीड या राइट कह सकते हैं। अभी हमने देखा एक स्टैटिक रैम का इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिकली 8
रोज थी या एट लोकेशंस थी, और हर लोकेशन जो थी चार बिट को स्टोर कर रहे हैं। सो बेसिकली आपके पास 8 × 4 = 32 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, और कंट्रोल सर्किट जो है वो है सारों को जो चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं एक रो में उन साइमल्टेनियसली सेलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम है या जो एक मेमोरी चिप है उसका सिंबल कैसा होगा, उसमें जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं वो कैसे नजर आते हैं उसमें। सो हम एक चिप की उसके एड्रेस लाइंस देखते हैं, डाटा लाइंस देखते हैं, और जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं। नॉर्मली जो डाटा शीट्स में आपको एक रैम के जो सिंबल दिखाया जाता है उसमें ये वसल्स होते हैं। सो ये 3 KB स्टैटिक रैम का सिंबल दिखाया गया। 16 KB रैम को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको 14 एड्रेस लाइंस चाहिए, जो फॉर्मूला है 2^n। सो 2^14 हो, इससे आपके पास 16 KB लोकेशन यूनिक एड्रेसेस आ जाते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे A0 से लेके A13 जो है 14 एड्रेस लाइंस शो कर रही हैं। ये ऑफकोर्स कनेक्ट होंगी एक्सटर्नल के साथ, एड्रेस बस कनेक्टेड है माइक्रोप्रोसेसर की एड्रेस लाइंस के साथ। सो माइक्रोप्रोसेसर इन्हीं एड्रेस लाइंस पे एड्रेस भेजेगा, जिससे हम एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और उधर हम इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे बाई डायरेक्शनल डाटा लाइंस दिखाई गई हैं, क्योंकि 8 बिट स्टोर हो रही है एक लोकेशन पे, तो जब भी आप रीड करेंगे या राइट करेंगे 8 बिट्स एट अ टाइम करेंगे। अब क्योंकि रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं, देयरफॉर जो डाटा लाइंस हैं उनको बाई डायरेक्शनल दिखाया गया। नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 कंट्रोल सिग्नल्स दिखाए गए, चिप सिलेक्ट बार, राइट एनेबल बार एंड आउटपुट एनेबल बार। तीनों एक्टिव लो सिग्नल्स हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक्टिव लो हो, एक्टिव हाई भी हो सकते हैं। जनरली एक्टिव लो सिग्नल्स यूज किए जाते हैं। चिप सिलेक्ट सिग्नल जो है ये ओवरऑल पूरी मेमोरी चिप को सिलेक्ट करता है, मेमोरी अरे जो है वो सिलेक्ट होती है, और एड्रेस डिकोडर जो है इंटरनल एड्रेस डिकोडर जो है उनको सिलेक्ट करता है। राइट एनेबल सिग्नल जो है ये इन्फॉर्मेशन राइट जब कर रहा है मेमोरी को उसको एक्टिवेट करता है, लैच जो है उसको एक्टिव कर देता है ताकि इन्फॉर्मेशन राइट हो जाए। आउटपुट एनेबल जो है वो ट्राई स्टेट बफर को कंट्रोल कर रहा है, जब भी हम इन्फॉर्मेशन इस रैम से पढ़ना चाहेंगे तो आउटपुट एनेबल को एक्टिव होना चाहिए। अभी हमने एक 16K × 8 byte जो स्टैटिक रैम है उसका सिंबल देखा, डिफरेंट सिग्नल्स देखे। हम इस पर डिस्कशन करेंगे, स्पेशली हम देखेंगे कि जो रीड इन्फॉर्मेशन और रीड राइट इन्फॉर्मेशन जो है ये कैसे होती है, और सीक्वेंस क्या है, रीड साइकल्स और राइट साइकल्स को हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट हम जब डिस्कशन स्टार्ट करें तो फॉलो करना जरा आसान हो जाए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।